देखते हैं क्वेश्चन, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, अगर सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, अगर आप कोचिंग में अगर पढ़ते हैं या फिर किसी भी तरीके से करते हैं तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारे ख्याल में आएगा इसे रेशनलाइज करना। आप इसको रेशनलाइज करेंगे, अगर हम इसको रेशनलाइज करते हैं और सोल्व करते हैं, ठीक है, रेशनलाइज करके अगर सोल्व करते हैं तो हमें पता है ऊपर 4 + 3√5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 16 - 3√5 का होल स्क्वायर यानी ये 45 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आंसर आ जाएगा 4 + 3√5 का होल स्क्वायर अपॉन 16 - 45 इज इक्वल टू ये -29 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम खोलते हैं अगेन, इसको हम खोलते हैं 16 + 45 + 2 × 4 × 3√5 यानी 24√5 आ जाएगा और नीचे -29 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 61/29 - 24√5/29 यहां से हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये दो तरीका हो गया जो आप लोग कोचिंग में करते हैं या आप लोग जिस तरीके से घर पे कोशिश करते हैं। अब मैं इसकी एक तरकीब बताऊंगा जिस तरकीब के अंदर आपको क्या करना है। देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा अगर दे रखा है जिसके अंदर देखिए सारे ऑप्शन की वैल्यू एक जैसी है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें सिर्फ एक ही चीज काम करनी है। देखिए हम ऑप्शन को देख के ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ प्लस और माइनस का भी फर्क है, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ साइन पे ही काम करेंगे। जैसे अगर मैं इस स्टेप को देखूं 4 + 3√5 / 4 - 3√5 अगर मैं इसको रेशनलाइज करता हूं तो रेशनलाइज करके ये हो जाएगा। अब मुझे पता लग गया कि नीचे जो है -29 आ गया, ऊपर 4 + 3√5 का होल स्क्वायर आ गया। अब मैं एक बार नोट कर सकता हूं जो नीचे माइनस साइन आया ये ऊपर चला जाएगा और दोनों वैल्यूज माइनस की हो जाएंगी, यानी ये हो जाएगा। अब जब दोनों वैल्यू माइनस की हो जाएंगी तो मुझे पता दोनों वैल्यू माइनस की कौन सा ऑप्शन में, दोनों वैल्यू माइनस की इस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से कर सकते हैं और बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं अपना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।